बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? मैं भी ठीक हूँ। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज मैं फिर से मुर्गो सलम बनाने जा रही हूँ। मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं इसकी डिटेल्स में रेसिपी दूँ, तो लीजिए ये शेयर डिटेल्स में रेसिपी। मैं आज दो चिकन की अका मुर्गो सलम बना रही हूँ। तो दो चिकन ले लिया, उसमें कट्स लगाए, डीप कट्स लगाए, उसके बाद उसको सिरके से धो लिया, सिरके में पानी डाल के खूब अच्छे से वॉश कर लिया। अब मसाला तैयार करते हैं। ज़्यादा चिकन है तो ज़्यादा मसाले जाएंगे, मसाला आप अपने हिसाब से रखिए। मैं दो चिकन बना रही हूँ तो इसलिए मुझे ज़्यादा सामान की ज़रूरत है, ज़्यादा मसाले की ज़रूरत है। मैरिनेट करने के लिए लहसुन, अदरक, हल्दी, मिर्चा, नमक, इससे हम चिकन को मैरिनेट करेंगे खूब अच्छे से चिकन की। हाँ, थोड़ा सा विनेगर भी डालेंगे, इससे इसमें टेस्ट अच्छा आता है और चिकन खूब अच्छे से टेंडर हो जाता है। अब इन मसालों को मिक्स कर देंगे और इसको चिकन के ऊपर खूब अच्छे से अप्लाई करेंगे। चिकन की बहुत अच्छे से मालिश करना है, खूब अच्छे से, जैसे बच्चों की मालिश होती है उस तरह से आप चिकन को चारों तरफ से घुमा के खूब अच्छे से इस मसाले को चिकन के अंदर लगाइए। जितने अच्छे से मसाले लगेंगे उतना अच्छा आपका मुर्गो सलम बनेगा। मसाले लगा के हमने इसको रख दिया 2 घंटे के लिए। उसके बाद हमने एक पीला लिया और चढ़ा दिया इसको टेंडर होने के लिए। ये ग्रेवी का मसाला है, बादाम, पोस्ता, काजू, छोटी इलायची और जौत्री, इसको ग्राइंड करना है अच्छे से, ये ग्रेवी में जाएगा। ये अंडे और ये ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम, ये मुर्गे के पेट में जाएंगे, इससे मुर्गे की फिलिंग होगी। आप चाहें तो किशमिश भी ऐड कर सकते हैं, चाहे आप काजू बादाम को खड़ा डाल दें, चाहे दरदरा करके डाल दें, चाहे पीस के डाल दें। मेरे बच्चे खड़ा नहीं खाते हैं, खड़ा ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते हैं, इसलिए मैं पीस के डालती हूँ। फ्राई हो रही है मसाले के लिए, ये अंडे बॉयल हो गए और ये ड्राई फ्रूट्स को हमने पीस दिया। अब मीनवाइल मेरा चूल्हा ख़राब हो गया तो मुझे फिर चूल्हा चेंज करना पड़ा, अपना दूसरा चूल्हा लगाया, और वो वाला मेरा पतीला छोटा था तो मैंने पतीला भी चेंज किया, दूसरा पतीला लिया। चलिए फिर अब कंटिन्यू करते हैं रेसिपी अपनी। मेरा इधर चढ़ा हुआ है, मसाले पीस लेते हैं। मसाले का एक अच्छा से स्मूथ सा बैटर पेस्ट बना लिया। इधर चिकन पक रहा है, चिकन में थोड़ा सा देसी घी डाला, इसको फ्राई करना है तो बिना घी के ये फ्राई नहीं हो पाएगा। इधर मसाला भी तैयार कर लेते हैं। देसी घी लिया, उसमें काजू बादाम वाला पेस्ट शामिल कर दिया, पिसी हल्दी डाली, पिसा मिर्चा डाला, थोड़ा सा नमक डाला क्योंकि नमक चिकन में डाल चुकी हूँ तो यहाँ पर बहुत ज़रा सा नमक जाएगा। इसको अच्छे से चलाते हैं। उसके बाद जो प्याज लाल हुई थी उसको भी इसमें शामिल कर देना है। अब इसको भून लेते हैं। मसाला भून गया मेरा, ये देखिए अच्छे से, खूब अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। चिकन भी टेंडर हो गया, अब चिकन की फिलिंग कर लेते हैं। जो अंडे बॉयल करके रखे थे वो अंडों को इसके पेट में डाल देना है, और जो ड्राई फ्रूट्स हमने पीस के रखा था उसको भी इसके अंदर डाल देना है। जितना ज़्यादा आप चाहें डालें, कोई इसमें शर्त नहीं है, 1 चम्मच 2 चम्मच की आपके ऊपर है। मसाला और अंडा फिल करने के बाद हमने इसके दोनों पैरों को बांध दिया, जिसमें मुर्गा भागे ना। मजाक था वो। इसको बांध देना है इसलिए कि जिसमें इसका मसाला बाहर नहीं आए, जो इसके पेट में फिलिंग हुई है वो बाहर नहीं आए। उसके बाद इसको फिर से पतीले में डाल देना है और इसके ऊपर सारी ग्रेवी डाल देनी है। इसको बनाएं आप ज़रूर, आजकल मौसम ऐसा है कि आप चिकन खाएं और मुर्गो सलम तो ज़रूर बनाएं। दोनों चिकन मेरे फिल हो गए, तैयार हो गए पकने के लिए। इनको पतीले में डाल दिया और मसाला डाल देंगे ऊपर से सारी ग्रेवी। तो
उसके बाद इसको 10 मिनट के लिए ग्रेवी के साथ पकने देंगे, जिसमें ग्रेवी मेरी थोड़ी सी थिक हो जाए और चिकन के अंदर भी ग्रेवी का थोड़ा सा टेस्ट चला जाए। ये देखिए तैयार है मज़ेदार सा मुर्ग मुसल्लम। आप भी ज़रूर पकाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।